फ्रेश लेमन आ चुका है और वही वाला नमक आ गया या उसके बाद आ चुकी है भाई बर्फ। भाई हमारी मर्जी, हम जो सा मर्जी करें इसमें ऐड करें। ये भाई का अपना मोहब्बत का शरबत है, इसमें भाई ने मोहब्बत भी डाल दी है। देसी पुदीना, ब्लैक नमक है, चीनी ऐड होगी, मिंट पाउडर जो है ना, फूड कॉकटेल जो है ना वो भी इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। एक ग्लास में दो लेमन ऐड करते हैं। फ्राइड मिंट जो है ना वो इसके अंदर भाई ऐड की जा रही है। स्पेशल मिंट मार्गरीटा, भाई का कहना पूरे गुजरा वाला से इस तरह का मिंट मार्गरीटा आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। पुदीने के जो पत्ते हैं ना वो लगाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजानुर, आप देख रहे हैं वीडियो विदान। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफा जी फ्रेश मिंट मार्गरीटा वगैरह, मतलब इनके पास होता है एक्जैक्टली, इनका नाम थोड़ा सा लंबा है। तो भाई ये लगाते हैं मिंट मार्गरीटा और इसके अलावा इनके पास जो फ्रेश ठा वाली बोतल है ना वो होती है और इनकी अपनी होती है और ब्लू कलर की होती है। अभी भाई किसी को बना के दे रहे थे, मैंने देखी थी। तो आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि भाई इनके पास क्या क्या कुछ होता है, इनसे डिटेल्स पूछेंगे और इसके अलावा टेस्ट करेंगे कि भाई इनका टेस्ट कैसा है। इनका कहना है कि हम खुद से बनाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं मज़ीद डिटेल्स। तो ये देख सकते हैं भाई कुछ इस किस्म का इनका सेटअप है। यहाँ पर मैंशन भी है हाफज जी फ्रेश मिंट मार्गरीटा एंड फ्रेश जूस कॉर्नर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इनकी जो बोतलें हैं ना वो लगी हुई हैं और ये बना के देते हैं मिंट मार्गरीटा वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉटल्स हैं ना मैं आपको बता रहा था ब्लू कलर की और ये होते हैं भाई भाई को बाद में मैं मिलाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं सामने निगार फाटक है, निगार चौक है ना, जो वहाँ से अंदर वाली साइड पे आए ना, मेन जीडी रोड से अंदर वाली साइड पे हैं। तो यहाँ पे साथ ही तो ये होते हैं यहाँ पे मोहम्मद जुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, कैसे हैं, ठीक है। अच्छा जुबैर भाई क्या क्या कुछ होता है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम भाई, हम तकरीबन 14 से 15 साल से फ्रेश लेमन का काम कर रहे हैं। ये हम अपना माल, अच्छा जो टॉप का माल है वो भरते हैं, इसमें हमारे पास अच्छा फ्लेवर है डाल के, लेमन ठा बोतल है, उसके बाद हम आपको बना के देंगे जो इस वक्त चल रहा है। ये हमारा 3 साल से स्टॉल ओपन हुआ है, जिसमें हमने फ्रेश मिंट मार्गरीटा बनाया है जो इंतहाई मुनफरद अंदाज में है, जो आपको पूरे गुजरांवाला में, पूरी सिटी में कहीं से नहीं मिलेगा जी। हमारी रमज़ान में जो टाइमिंग है, हम 4 बजे स्टॉल ओपन करते हैं और हम कोई भी कस्टमर आए उसको रोज़े से पहले हम अवेलेबल नहीं करते। और रमज़ान के बाद जो टाइमिंग है वो हमारी 12 बजे से दोपहर से ले कर रात 12, 12:30, 1 बजे तक है। अच्छा जुबैर भाई अब क्या तैयार करने लगे हैं आप? आपको जो हमारा गुजरा वाला की शान है, ठीक है, मिंट मार्गरीटा स्पेशल, जो मिंट मार्गरीटा जो आपको बताया हमारा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ठीक हो गया। तो चलें अब देखते हैं भाई जुबैर भाई का कहना है फुल स्पेशल है, भी बताएंगे, ठीक है, ताकि आम कस्टमर को इसका पता चले कि पहले हम इसमें फ्रेश पुदीना ऐड करेंगे, जो देसी पुदीना, एक होता है फार्मिंग, ठीक है, देसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे भाई इसके अंदर देसी पुदीना, ब्लैक नमक है, इसमें 2-3 चीज़ मिक्स हैं, ब्लैक है, सफ़ेद नमक है, सफ़ेद जीरा है, ठीक है, मतलब ये मिक्स आइटम है इसके अंदर, ठीक हो गया, मतलब आपको अपना तैयार किया हुआ ये कैसे? इसमें चीनी ऐड होगी और उसके बाद भाई मिंट पाउडर जो है ना वो जुबैर भाई ऐड कर रहे हैं इसके बीच में। अब इसमें ऐड होगा कॉकटेल, ठीक है भाई, अब फूड कॉकटेल जो है ना वो भी इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। और भाई वाकई ये काफ़ी यूनिक होने वाला मिंट मार्गरीटा, फ्रेश लेमन है ना वो ऐड किया जा रहा है। मैं 2 लेमन, ठीक है, एक ग्लास में 2 लेमन ऐड करते हैं। आइस बर्फ का इस्तेमाल होगा, तो भाई गर्मियाँ आगे से आ रही हैं तो ठीक है, ऐड होगी फिलहाल मौसम ज़रा नॉर्मल, तो नॉर्मल से इसमें जो बर्फ़ है ना वो ऐड कर दी गई है। स्प्राइट मिंट जो है ना उसका टेस्ट बनाएगी, ठीक है, स्प्राइट मिंट जो है ना वो इसके अंदर भाई ऐड की जा रही है। इसकी आप स्पीड चेक करना, तो भाई ये भाई के अपने प्रिंटेड ग्लास हैं, ठीक है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी भाई का मैंशन है और इनका एड्रेस भी मैंशन है, ठीक है। अब क्या ऐड होगा इसमें? इसमें मोहब्बत का शरबत, वाह जी वाह, मोहब्बत का शरबत इसके अंदर आने लगा जी, ठीक है जी। ये भाई का अपना मोहब्बत का शरबत है, इसमें भाई ने मोहब्बत भी डाल दी है। स्पेशल मिंट मार्गरीटा, भाई का कहना पूरे गुजरा वाला से इस तरह का मिंट मार्गरीटा आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो स्प्राइट है ना वो अब इसके अंदर जो है ना वो ऐड की जाएगी एट लास्ट। इसके ऊपर अब जो पुदीने के जो पत्ते हैं ना वो लगाए जा रहे हैं। तो ले जी भाई हमारा फुल प्रीमियम किस्म का मिंट मार्गरीटा जो है ना वो तैयार हो चुका है और मुझे लग रहा है काफ़ी मज़े का होगा। टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पहले जब आप इसका सिप लेते ही है ना, अंदर से सारा कुछ ठंडा हो जाता है और आपको एक जो फ्रेशनेस का एहसास जो है ना, फ्रेशनेस की जो फीलिंग है ना वो आती है। अच्छा भाई अब जो ठा है ना वो तैयार होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ग्लास आ चुका है, ग्लास के अंदर आएगा लेमन, फ्रेश लेमन, ठीक है, फ्रेश लेमन आ चुका है और भाई फुल रसीला लेमन था और वही वाला नमक आ गया जिस जो भाई की अपनी रेसिपी है। उसके बाद आ चुकी है भाई बर्फ़ बीच में और भाई अब यहाँ पे होने लगी है फायरिंग, मतलब ठा वाली जो बोतल है ना वो खुलने लगी है। भाई कह रहे हैं इसकी आवाज़ ज़रा चेक करना,
धुआं देखें उसके बाद जो निकला और भाई ये आ चुका। अच्छा इसका कलर चेक करें, जब मैं आया था तो भाई किसी को सर्व कर रहे थे तो तब इसका मैंने कलर देखा, मैंने कहा ये क्या, तो भाई ने बताया कि हम खुद तैयार करते हैं, तो भाई हमारी मर्ज़ी, हम जो सा मर्ज़ी कलर इसमें ऐड करें। तो चलें अब टेस्ट करते हैं ये ब्लू कलर का। बिस्मिल्लाह भाई ये भी काफ़ी अच्छा है। असल जो बोतल की क्वालिटी होती है ना उस पर सारा इसका जो टेस्ट है ना वो डिपेंड करता है, और बोतल की क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है और इस वजह से इनका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो भाई एक मतलब ये ऐसा पॉइंट है गर्मियों में अगर आपका कोई अच्छा कोई मिड मार्गरीटा पीने का दिल कर रहा हो, या फिर अगर स्पेशली जो सोडा है जो कि इनका अपना बनाया हुआ है ये अगर आपका पीने का दिल कर रहा हो ठाव वाला जो होता है तो अब यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप अगर इनका कुछ भी टेस्ट करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। यही थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।